नाम है आपका? मेरा नाम अस्मा है। क्या नाम है आपका? मनाहिर। सिमल। क्या नाम है आपका? मेरा नाम इकरा है। क्या नाम है आपका? जाजेब। अस्मा, क्या करती हैं आप यहाँ पर? मैं यहाँ पे MSc कर रही हूँ। अच्छा, MSc कर रही हैं। अस्मा, PSL पाकिस्तान में होने जा रहा है, तमाम इंटरनेशनल टीम पाकिस्तान आके PSL खेलेंगी। आखिरकार वो दिन आ गया जिसका सबको इंतज़ार था, PSL घर आ गया है, पाकिस्तान आ गया है, तो आप कितनी एक्साइटेड हैं इसको लेकर? मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि इस बार पाकिस्तान। बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि इंडियन टीम भी हमें ज्वाइन कर ले इस PSL 4 में ना, उनके कुछ जो टीम मेम्बर्स हैं वो आए, वो हमें फॉलो करें, यहाँ पाकिस्तान में खेलें। एक मैं इनसे बात करूँ जी। कितने एक्साइटेड हैं आप? मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि इस बार पाकिस्तान में PSL हो रहा है और सारे मेरी फेवरेट टीम इंडिया ही रहेगी, मैं आपको बता रहा हूँ। मैं बात कर रही थी शायद। लेकिन इंडियन टीम तो खेल ही नहीं रही। इंडियन टीम नहीं खेल रही है तो अच्छी बात है ना, वो नहीं खेल रहे हैं। तो आपने बताया बहुत एक्साइटेड, आप लोगों की फेवरेट टीम कौन सी है? लाहौर कलंदर्स ऑब्वियसली। लाहौर कलंदर जो कैप्टन है ना वो इमरान खान है इस दफा, और वो लाहौर कलंदर खेले ना साथ जाके, आप बन जाए कैप्टन, आप ज्यादा बेहतर बनेंगे आई गेस। फिर मुझे क्या जरूरत है? पर आप बन जाए। ड्राफ्ट क्यों कर रहे हैं? वो मुझसे पूछती है, आप जवाब देने लग जाते हैं। कितने एक्साइटेड हैं आप? जी बिल्कुल, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। मुनीर को देखने के लिए बहुत बेहद जो है ना इंतजार कर रहा हूँ, बहुत ही मैं आप गंदे गंदे मुंह बना रही है मैंने चला। तो आप इंटरप्ट कर रहे हैं ना, तो बिल्कुल मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि मुनीर जो है ना वो बहुत अच्छा खेलती है। बात तो करने दें, क्योंकि PSL जो है वो इस साल पाकिस्तान में ही हो रहा है। मुनीर जो है ना जो वो बात तो करने दें, उसके सारे मैचेस इस बार पाकिस्तान में हो रहे हैं, कुछ लाहौर में। यार नीलम मुनीर जो है ना बहुत अच्छा खेलती है, लाहौर होती है, क्या हो गया? मुझे बात करने दो यार, बात करने दो, जाए तंग ना करें। PSL पाकिस्तान आ गया, PSL घर आ गया, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छी बात है, ये हमारे इंटरनेशनल जो इनकम है जो है ना, देखें PCB को वो लास्ट टाइम भी शेख रश। यार पहले इंटरव्यू मैं दे रहा हूँ ना यार, उन्होंने मुझसे सवाल पूछा ना, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। लेकिन आप अपने टर्न का वेट करें ना यार, पहले बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चले अभी फिलहाल हमें करने थे। आपकी कौन सी टीम फेवरेट है? लाहौर कलंदर्स ऑब्वियसली, मैं लाहौर हमेशा, लाहौर कलंदर्स। यार एक सेकंड, क्या सीन है आपको पता नहीं है? कैसे इंटरव्यू ले रही हैं वो, आप माइक अपनी तरफ करते जा रहे हैं, रिकॉर्ड हो रहा है, कैमरा ऑन है। यार मैं भी यही बोलने, मुझे बोलने तो दो तुम। लाहौर कलंदर के किस प्लेयर के साथ आपको ज्यादा उम्मीदें हैं कि इस दफा वो PSL लाहौर कलंदर को ही जितवाएगा? मुझे तो सबसे ही उम्मीदें हैं, इकबाल चीमा इस दफा लाजमी जीतेंगे, वो टिकट भी जीते हैं। मैं बात कर लूं, आप ICC के हैं, आप क्या करना क्या चाह रहे हैं? इंटरव्यू पहले मैं दे लूं? आप नहीं, आप निकले यहाँ से। अगर आप ICS के नहीं है तो फिर आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? चले बाहर हूँ, मैं गार्ड्स को बुलाती हूँ। मैं ICS का नहीं हूँ लेकिन वो गेट खुला हुआ तो मैं आ गया था अंदर। ओह चले फिर आप बाहर जाएं, मैं इंटरव्यू दे लूं? दोनों मिलके दे लेते हैं। नहीं मैंने आपके साथ नहीं देना ना। मैं आपको लगता है कि इस दफा PSL में लाहौर कलंदर जीते क्योंकि ऑलरेडी सारे मैचेस हारे हैं। अगर टीम चेंजिंग सपोर्ट करिए लाहौर कलंदर तो लाहौर कलंदर हारेगा। कौन हो तुमसे पूछ कौन रहा है? तो नहीं, हम लाहौर कलंदर को सपोर्ट करते हैं। इस्लामाबाद का आई डोंट नो लाहौर कलंदर को ये लोग हराएंगे, मैं आपको बता रहा हूँ। लाहौर कलंदर तो पहले ही 3 दफा हार चुका है, अब 4थी दफा उम्मीदें हैं। उम्मीद पर दुनिया कायम है आई गेस, तो हो सकता है काम। इनको बोले सपोर्ट मत करें, देखिए लाहौर कलंदर जो है ना एक बहुत अच्छी टीम है। इंटरव्यू ले लें फिर, ये बहुत बन रहे हैं तो आई गेस। नहीं, आई एम सॉरी, मैं इनकी तरफ से एक्सक्यूज करती हूँ, आप जाएं यहाँ से, डिस्टर्ब मत करें। और आपकी फेवरेट टीम कौन सी है? जी मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ और मेरी जो फेवरेट टीम है जिसको मैं सपोर्ट कर रही हूँ वो पेशावर ज़ल्मी है। ज़ल्मी इस दफा नहीं जीतेगा, आप मुझसे लिखवा लें, इस दफा लाहौर कलंदर। आपको कैसे पता कि वो नहीं जीतेगा? इस दफा लाहौर कलंदर जीतेगा। हाँ लाहौर कलंदर जीतेगा, पहले 3 बार तो नहीं जीत सका और वो नहीं जीता, इस दफा जीतेगा। इस दफा उसका कैप्टन पता कौन है? शेख रशीद कैप्टन है। बड़ी उम्मीदें हैं लाहौरियों को लाहौर कलंदर के साथ। आपने लेकिन जो आपने वो शेर सुना होगा, कैप्टन है ना इस दफा, कैप्टन इमरान खान साहब हैं। इनका इंटरव्यू कर ले, इनको बहुत ज्यादा जल्दी है, मुझे लगता है आप बहुत इंपॉर्टेंट बात मैंने बताया था। इस दफा जो लाहौर कलंदर के कैप्टन, आप इधर आ जाओ यार, आप इधर आओ ना, आप आगे आ जाओ यार। नहीं नहीं आप आ जाए यार। अच्छा आप आगे आ जाए, अब नहीं आएगा यार, प्लीज तंग ना करो यार, काम करने दो। चलो निकलो यहाँ से, पीछे हटो, चलो निकलो, निकलो यहाँ से, निकलो, मैं थप्पड़ मारूंगी। चलो निकलो यहाँ से, मजाक कर रहे हैं ना, चलो निकलो, मजाक कर रहे हैं। दूसरी कौन सी टीम है आपको जो लगता है टॉप कर सकती है? क्वेटा ग्लैडिएटर्स आई गेस। बिल्कुल भी नहीं, इस्लामाबाद जो है ना वो बेस्ट टेस्ट है लाहौर कलंदर्स के बाद। वैसे तो टीम का नाम क्या आपको पता भी है? इस्लामाबाद टीम जी, नाम क्या है उसका? इस्लामाबाद टीम टीम है भी
जी जी क्या नाम है? वही तो मैं आपसे पूछ रही हूँ, क्या नाम है? वही अपने वो अपने जी जी आपके पुप्पा ने रखा था नाम, है ना? जी 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 कैप्टन है ना? आपके अपने कब से हो गए वो? दैट इज टू मच, ये पता नहीं बार बार इन्वेट कर रहे हैं हमें, किस दफा लाहौर कलंदर अपना पिछला जो रिकॉर्ड है वो तोड़ेगा और जीतेगा पीएसएल? आपको लगता है कि पीएसएल अपना रिकॉर्ड तोड़ेगा? ये लगता है कि जो कलंदर लाहौरी वो जिंदा दलाने हैं और वो लाहौर कलंदर जीतेगा। बात तो करने दे, वो ये समझते हैं क्या खप डाली हुई है, लगता है आप खा के आए हो जो बोली जा रहे हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि लाहौर खोते खाए हैं इस दफा, बहुत एनर्जेटिक लाहौरी इस बात पे यकीन रखते हैं कि बिल्कुल यार चुप करो, तुम तीनों बोले जा रहे हो, आई मीन हम दोनों, आई मीन तुम तीनों तुम दोनों बोले जा रहे हो। मैं सही बोल रहा था, करने दे रहा हूँ, मुझे किसी को सपोर्ट करने दे तो मैं कोई बात करूँ ना। सही बोल रहा था आपने। यार प्लीज यार तंग मत करो, जाओ यहाँ से यार, प्लीज यार प्लीज प्लीज, अल्लाह दिमाग की दही कर दी है। पता नहीं मुझे लगता है ये लाहौर की यार बहुत ज्यादा गधे खाए हुए इन्होंने। यार ऐसे मत कह, मैं भी लाहौर की हूँ। आपको लगता है कि इस दफा फवाद राणा खुशी खुशी पीएसएल का इख्तिताम करेगा? हर दफा पीएसएल में वो रोते हुए नजर आते हैं कि उनकी टीम इतना बुरी तरह हार गई है। देखिए वो पैसा तो बना लेते हैं हार के भी, लेकिन उनके एक इस दफा लाजमी जितवाएंगे। अच्छा बात तो सुने, बात तो सुने, एक्सक्यूज मी, बात सुने, बात सुने, अच्छा बात सुने। हम लोग डिस्टर्बिंग इंटरव्यू कर रहे थे, ये मेरी ही टीम का मेंबर है, चलो सॉरी बोलो। अच्छा सॉरी यार, इट्स ओके यार, मुझे नहीं पता था। थैंक यू सो मच, थैंक्स, थैंक यू, ओके। अच्छा अच्छा अच्छा, मेरी बात सुने, हम आपके साथ मजाक कर रहे थे, असल में हम एक डिस्टर्बिंग इंटरव्यू कर रहे थे और ये आपको डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहे थे, जो कि मुकम्मल हो गई, इनकी कोशिश कामयाब हो गई है। तो हमारा क्या था, वाओ, तो मैं इनकी इन्हीं का टीम का मेंबर हूं। थैंक यू, अगर नहीं होते ना तो आपको बहुत पढ़नी थी। नहीं नहीं तो आप जो मर्जी कर ले, नहीं जीतना तो पेशावर जलमी नहीं है, पता ही नहीं है पेशावर जलमी का, आपको पेशावर जलमी, मैंने कहा जीतना पेशावर जलमी, आपको नहीं पता, आपको नहीं पता जीतना पेशावर नहीं है, अगर जीतना होता आप बहस कर रहे हैं, मेरी वीडियो खराब की है, मुझे ना वीडियो बनाने दिए ना बात करने दी, इतना इंटरप्ट कौन करता है, इतना इंटरप्ट कौन करता है, बहुत इंटरप्ट किया आपने, बहुत इंटरप्ट किया, छोड़ दे। बात सुनो, अच्छा बात तो सुनो लड़की, क्या नाम था तुम्हारा? अच्छा, बात सुने, आप बहुत ही जज्बाती हो गए हैं। एक्चुअली हम आपके साथ डिस्टर्बिंग इंटरव्यू कर रहे थे और ये हमारी टीम का हिस्सा है, मैं एक्सक्यूज करती हूँ, उसने आपको बहुत तंग किया। नहीं नहीं, इट्स ओके, रोज मिलते हैं, फाइन। इंटरव्यूज है ना, जैसे लोग जी जी ऐसे जेब में लेके घूमते हैं हम। थैंक यू सो मच, सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक्स। ने तुम सीरियस हो गए, हमें मार दिया मेरे बच्चे को, आई मीन मेरे लड़के को, हम ना आपके साथ डिस्टर्बिंग इंटरव्यू कर रहे थे, हमारी टीम का हिस्सा है, सॉरी बोलो। सॉरी, इतने फिर भी बहुत डिस्टर्ब किया है मुझे, चले कोई बात नहीं जी। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ 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 हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़। गाइस आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ है, हमारा चैनल जीरो फूड रेंजर, आप लोग इसकी वीडियोस पे ज़्यादा कमेंट करें और जिससे कमेंट हमें सबसे ज़्यादा पसंद आएगा उससे हम पिन भी करेंगे और अपने नेक्स्ट चैलेंज में भी बुलाएंगे, और यार बहुत हल्ला गुल्ला होगा, बहुत फन होगा, हम आपके कमेंट्स का कर रहे हैं रिप्लाई, जल्दी से जाओ यार कमेंट्स करो जल्दी से, हम ताकि आपका कमेंट पिन करें और आपको बुलाएँ।